Hi guys, do subscribe and press the bell icon to never miss any updates of new videos from Swati Life and Style. Hi everyone, welcome back to my channel. और आज मैं कंपेयर करने वाली हूँ दो वेरी हाइप्ड फाउंडेशंस की. द फर्स्ट वन इज न्यूली लॉन्च्ड मेबलिन सुपरस्टे फाउंडेशन एंड द सेकंड वन इज लॉरियल इनफैलिबल 24 आवर फाउंडेशन. मेबलिन सुपरस्टे एंड लॉरियल इनफैलिबल, इन दोनों के क्लेम्स बहुत सिमिलर हैं. ये दोनों ही फुल कवरेज फाउंडेशन है, मैट फिनिश प्रोवाइड करते हैं. दोनों ही क्लेम करते हैं कि ये 24 आवर्स तक लास्ट करेंगे. दोनों ही ट्रांसफ़र प्रूफ है, लेकिन इन दोनों के प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. मेबलिन सुपरस्टे का प्राइस है 750 रुपीज़ और लॉरियल इनफैलिबल का प्राइस है 1400 रुपीज़, और दोनों ही 30 ml का बॉटल है. अनदर थिंग इज दैट कि लॉरियल का फाउंडेशन आपको ओपन करने के 12 मंथ्स के अंदर यूज़ कर लेना होगा, लेकिन मेबलिन में ऐसा कुछ नहीं है. आप इसे एक्सपायरी डेट आने तक यूज़ कर पाएंगे. मतलब कि मेबलिन सुपरस्टे वे मोर अफोर्डेबल प्रोडक्ट है. एनीवेज, इनके पैकेजिंग की बात करें तो ये दोनों ही ग्लास बॉटल में आते हैं, पंप दिया गया है. ओके, सो मैं अपने फेस के हाफ साइड पे अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन सुपरस्टे फाउंडेशन और दूसरे साइड पे अप्लाई कर रही हूँ लॉरियल इनफैलिबल फाउंडेशन. मैं ले रही हूँ इनिसफ्री का स्पंज. एंड फ्रेंड्स, मुझे ये दोनों फाउंडेशन ही स्पंज से अप्लाई करना ही ज़्यादा पसंद है. मीडियम कवरेज मिलता है. हाँ, कवरेज थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन चेहरा मेडअप नहीं दिखता. मोर स्किन लाइक फिनिश मिलता है, विच आई एब्सोल्युटली लव. ओके, तो अब मैं अपने फेस के हाफ साइड पे अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन सुपरस्टे फाउंडेशन और दूसरे साइड पे अप्लाई कर रही हूँ लॉरियल इनफैलिबल फाउंडेशन. एंड आई एम गोना टेक माय पैक फाउंडेशन ब्रश इन नंबर 265. And guys, this is the finish I get. Obviously, brush की मदद से foundation blend करने से full coverage मिलता है. But मुझे लगता है कि Maybelline Superstay थोड़ा ज़्यादा ही drying दिखता है मेरे face पे. Whereas, L'Oreal में ऐसा नहीं होता. Full coverage provide करता है, लेकिन skin excessively dry नहीं दिखता. ये दोनों foundation से transfer proof है. But अगर skin बहुत oily हो जाए, तो very slightly transfer हो सकता है. लेकिन उससे coverage पे कोई difference नहीं आएगा. मैं टिश्यू पेपर को अपने फेस पे प्रेस कर रही हूँ और देखिए, ये दोनों ही ट्रांसफ़र नहीं हुए. ये दोनों फाउंडेशन से वाटर रेजिस्टेंट भी है. लेट्स चेक. मैं रोज़ वाटर स्प्रे कर रही हूँ और टिश्यू पेपर को अपने फेस पे प्रेस कर रही हूँ और देखिए, ये दोनों ही फेड नहीं हुए. वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन इतना सा ट्रांसफ़र सब फाउंडेशंस में ही होते हैं. ओके, तो अब टाइम है फाइनल थॉट्स की. मेबलिन सुपरस्टे ज़्यादा अफोर्डेबल तो है ही, और शायद जल्द ही इसके बाकी जो शेड्स हैं वो भी इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे, जैसे मेबलिन फिट मी का हुआ है. लेकिन तब तक अपना परफेक्ट मैच मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. वेयरएज लॉरियल के होल शेड रेंज में डीप या चॉकलेट स्किन टोन के लिए कोई शेड नहीं है. मैक्सिमम मीडियम टू स्लाइटली डार्क स्किन टोन के लिए अवेलेबल है. और कवरेज की बात करें तो लॉरियल का कवरेज स्लाइटली ज़्यादा है, नॉट मच, जस्ट अ लिटिल. मेबलिन सुपरस्टे का कंसिस्टेंसी थोड़ा लिक्विडी है और इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है. लॉरियल इनफैलिबल का कंसिस्टेंसी कंपैरेटिवली क्रीमी है और एडेड फ्रेग्रेंस है. इट्स नाइस, बॉदर नहीं करेगा. मेबलिन सुपरस्टे बहुत लाइट वेट है, एब्सोल्युटली मैट फिनिश प्रोवाइड करता है, कोई स्टिकीनेस फील नहीं होता, ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है. मेरा स्किन टाइप नॉर्मल है, मुझे ये थोड़ा ड्राइंग लगा. इसलिए अगर आपका ड्राई स्किन टाइप है तो इसे यूज़ करने से पहले कोई हैवी मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई कर लीजिए. और इस मामले में मुझे लॉरियल इनफैलिबल बेटर लगता है. स्किन को ड्राई आउट नहीं करता, ऑयली भी नहीं बनाता, स्किन हेल्दी दिखता है.
ऑल्दो मेबलिन जितना लाइटवेट नहीं है बट दैट्स ओके, ज़रा भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता है। मैं इन दोनों फाउंडेशंस को मैक्सिमम 10 आवर्स तक वेयर किया है और लॉरियल इनफेलिबल घंटों बाद भी बिल्कुल फ्रेश रहता है, लेकिन मेबलिन सुपरस्टे ऑक्सीडाइज हो जाता है। बट द गुड थिंग इज़ दैट मेबलिन सुपरस्टे अप्लाई करने से 10 आवर्स बाद भी कोई स्माइल लाइन या क्रीज लाइन नहीं आता है, वेयरएज लॉरियल में थोड़ा थोड़ा स्माइल लाइन आ जाता है 7 to 8 आवर्स के बाद। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपका स्किन ऑयली है तो मेबलिन सुपरस्टे आपके लिए बेटर चॉइस रहेगा। अदरवाइज प्राइस पॉइंट और हाइड्रेशन पार्ट के अलावा दोनों फाउंडेशन से इक्वली ग्रेट है, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है दोनों ही, लेकिन मुझे पर्सनली लॉरियल इनफेलिबल ज़्यादा पसंद है। आपको कौन सा वाला बेटर लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, आई वुड लव टू नो दैट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। Thank you so much for watching, and I will see you all soon in my next video. Till then, bye.